तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। अरुण भाई, अरुण कितनी बार अरुण ऑर्डर चेन ऑफ कमांड्स कुछ होते हैं कि नहीं? वैसे भी खबर आ रही है कि एक भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। तीन टेररिस्ट के नाम दिए थे, उनके बारे में कुछ पता चला? दिस इज AB175। देश हमेशा रहेगा। दोस्तों, इंडियन सिनेमा की एक और जबरदस्त पैट्रियोटिक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है योद्धा, और इस मूवी को रिलीज के बाद क्रिटिक्स की तरफ से एंड जनता की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी योद्धा मूवी बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी की उम्मीद की जा रही थी। और उसका रीजन ये है कि सबको पता है कि इस मूवी की स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, और इस विषय पर पहले भी कई सारी मूवीज बन चुकी है, तो जाहिर सी बात है इस मूवी को लेकर उतना क्रेज नहीं है लोगों के बीच। लेकिन फिर भी योद्धा मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट ओपनिंग लेते हुए अपने पहले ही दिन 5 करोड़ के आसपास की ओपनिंग ली थी, और इस तरह से अपने शुरुआती 2 दिनों में योद्धा मूवी ने 10 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली है केवल और केवल इंडिया से। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो इस मूवी ने शुरुआती 2 दिनों में 15 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। वहीं खबरों की माने तो योद्धा मूवी का बजट 70 से 80 करोड़ रुपए के आसपास है, तो अगर इस मूवी को सुपरहिट होना है तो कम से कम 80 से 90 करोड़ रुपए का शेयर कलेक्शन करना होगा, तभी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट मानी जाएगी। लेकिन इस मूवी के कलेक्शन को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि ये मूवी अपने ब्रेक इवन को हासिल कर पाएगी। वहीं योद्धा मूवी को IMDB की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिली है। और अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की कहानी आधारित है एक ऐसे सोल्जर पर जिसको एक बहुत ही बड़े मिशन के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसकी एक छोटी गलती की वजह से वो मिशन फेल हो जाता है, जिसके बाद उस सोल्जर को सजा दी जाती है और उसको सस्पेंशन लेटर दे दिया जाता है, जिसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। तो कुल मिलाकर योद्धा मूवी के अंदर आपको हाई लेवल के एक्शन सीन, पैट्रियोटिक सीन, इमोशनल सीन भर भर के देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर योद्धा मूवी 1 टाइम वॉचेबल मूवी है। और अगर बात करें योद्धा मूवी के OTT रिलीज की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अभी तक जितनी भी पैट्रियोटिक फिल्में देखी है उनमें से आपकी वन ऑफ द बेस्ट पैट्रियोटिक मूवी कौन सी है। आप हमें नीचे नाम लिखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर बात करें योद्धा मूवी के OTT रिलीज की, तो खबरों की माने तो इस मूवी के OTT राइट्स को खरीदा है Amazon प्राइम वीडियो ने। वहीं ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि जिस तरह से इस मूवी को सिनेमाघरों में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, तो उम्मीद की जा रही है कि पूरे 4 हफ्ते बाद, यानी कि रिलीज के पूरे 4 हफ्ते बाद, इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो साउथ की नई मूवी हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।